अब इस पड़ोसी का जब उस लुहार का इंतकाल हुआ तो वक्त के मुहदस ने खब में देखा उस लुहार से मुलाकात हुई कहा कि भी क्या बना मामला अल्लाह के सामने पेशी हुई, क्या बना इसलिए कहा जानते हैं कि मरने के बाद अल्लाह के सामने दो पेशियाँ होती हैं एक पेशी आलम मिसाल में होती है ये क़ियामत से पहले की पेशी है मरने के बाद अल्लाह तबारक व ताला के सामने पेशी होती है जहर वो पेशी मुकदमा होती है बाद वाले पेशी की है अगर इस पेशी के अंदर बंदा पास हो गया तो अल्लाह तबारक व ताला की जो आखिरत वाली पेशी उसके अंदर भी पास हो जाता है तो आलम मिसाल की पेशी और दूसरी पेशी जो होती है वो आलम आखिरत के अंदर होगी ये जो पेशी है ये जिसमें मिसाली के साथ पेशी होती है अल्लाह तबारक वाले एक मिसाली जिसम अता कर देते हैं उसे जिसम के साथ अल्लाह के सामने पेशी होती है और दूसरी जिसमें जिसमसरी के साथ ये हमारा जो खाकी जिसम है इस जिसम के साथ पेशी आखरत के अंदर होगी तो अल्लाह के दरबार के अंदर हिसाब किताब होने के बाद फैसला होता है तो आलम मिसाल की पेशी हुई वक़्त के मुहदे से पूछा क्या बना कहा कि इमाम आहद ने हम्बल के दर्जे में अल्लाह ने मुझे रख दिया मतलब जो मुक़ाम आहदिब ने हम्बल को मिला उसी मकाम पर मुझे भी अल्लाह तबारक व ने रखा है इस मुहदस की आंख खोल गई ये मुहदस बड़े हैरान हुए कि हर एक लुहार है और वो वक़्त का इतना बड़ा फकी, इतना बड़ा मुहदस पे दुनिया में कितनी मुजाह रियाजतें हैं उस पर टूटीं लेकिन वो अल्लाह तबारक व ताल का दामन उसे छोड़ा नहीं है इतना बड़ा इमाम इतना बड़ा इमाम यह लोहार उसके दर्जे और मुकाम पर यह कैसे उसने वक्त के मुहदसन से यह ख्वाब शेयर किया कि मैंने यह ख्वाब देखा वक्त के मुहदस ने कहा कि हो सकता है कोई ऐसी उसकी अदा ऐसी कोई नेकी अल्लाह तबारक व तला के यहां कबूल हो गई हो कि इमाम आमदी हम्बल के जो दर्जे में अल्लाह ने उसको रखा कहा कि अच्छा चलो उसके अहल खाना से जाके पूछता हूं उसके घर पहुंचा उनकी बेवा से पर्दे में बात की कि आपसे एक दो बातें करनी है क्या कहा कि मैंने ऐसे से ख्वाब देखा है कि आपका जो शौहर है जो हद्दाद है लोहार था वो इमाम अहमदब हंबल के मुकाम पर ये कैसे कौन सी ऐसी नेकी थी जो घर में वो करता था क्योंकि आप जहर खाना को पता है कि कौन सी ऐसा कोई अदा है जो अदा अल्लाह को उसकी पसंद आई हो उसने कहा कि बाजायर तो कोई ऐसी नहीं वो पांच वक्त बस नमाज पाबंदी से पढ़ता था और दिन भर जो वो लोहार था लोहारी का काम करता था बस इससे अलावा तो कोई ऐसी बात मुझे याद नहीं कहा कि नहीं सोचो गौर करो तो उससे सोचा कहा उसकी दो बातें मुझे याद आती हैं एक बात यह याद आती आती है कि जब वो लोहार था और लोहारी का काम करता था कभी लोहा कोटने के लिए वो ओतौड़ा उठा के लोहे पे मारता था और मारता था काम में लगा हुआ है एन उस वक्त में अल्लाह का मुनादी पुकारता अजान होती अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर जैसे अल्लाह तबारक की तकबीर फिजा में बुलंद होती और उसके कानों में वो तकबीर पड़ती तो जैसी पड़ती तो हथौड़ा अगर उसे उठाया भाई हूं तो वो उसकी चोट नहीं मारता था बल्कि हथौड़े को पीछे फेंक देता का के मेरे अल्लाह की मुनादी ने पुकार लिया अब मैं इस लोहे के ऊपर चोट मारने के तैयार नहीं अब मैं अल्लाह की मुरादी के सामने खड़ा होने की तैयारी करूंगा को है कि इतना सा वक्फा कि अगर उठाया हुआ थोड़ा मार भी दे तो हर्ज क्या है लेकिन नहीं जैसे अल्लाह का मुरादी पुकारता है हथौड़ा फेंक देता और उसके बाद वजू करके अल्लाह की नमाज में खड़ा हो जाता का एक तो इसकी ये अदा और दूसरी अदा ये कि रात को जब हम सोते थे हम छत पे सोते थे छत पे हमारी चार भाइया हम बीवी बच्चे सारे छत पे लेटे हुए हैं और पड़ोस में इमाम हंबल का घर था और इमाम हम्बल के कुरान पढ़ने की आवाज आती थी क्योंकि सारी रात कुरान की तिलावत हो रही है क्या में खड़े हैं अल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं तो पड़ोस में आवाज आती थी तो वो लेटे लेटे ये कहते थे कहता था अः जलाल मैं मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी हूं सारे दिन मेहनत मजदूरी ना करूं तो इन बच्चों का पेट कैसे पालू इन बच्चों की जिम्मेदारी तूने मुझे दे रखी है मैं इसी उसमें इस लगा रहता हूँ जी तो चाहता है कि मेरी मेहनत मजदूरी करने वाला को और होता और मुझे फुर्सत होती मैं भी इसी तरह क्याम करता इसी तरह कुरान की तिलावत करता जैसे इमाम अहमद इब्न हम्बल करता है काश मुझे ये मौका मिलता फरमाया कि यह कह के वो आसमान पे खुदा से बातें करता और जारो कतार रोता और रोते रोते सो जाया करता था फरमाया के सारी जिंदगी उसका यह मामूल था इमाम आमद में हम्बल के कुरान की आवाज़ सुनकर अल्लाह से भाई ये दुआ और हसरत पेश करके दुनिया और सो जाता था फरमाया यही दो अमल थे उसके तो फरमायाल्लाबारक के कबूल हो गए वो जज्बा इबादत जो उससे पेश किया था कि अल्लाह काश मुझे मौका मिले तो मैं भी इसी तरीके से तेरे सामने क्याम करूं जैसे अहमद हम्बल रखता है अहमदी तो हम्बल ने इबादत करके वो मुकाम पाया इसे वो जज्बा दिखा के वही मकाम हासिल कर लिया इसे जज्बा दिखाना, दिखाना जरूरी जज्बा दिखाओ दिल में तड़प तो रखो कि अल्लाह काश ये ऐसा मौका हो रातों को खड़े होकर तेरी इबादत करूं काश ये मौका हो हर बह मैं तुझे पुकारूं काश ये मौका हो मैं हर बार तेरे रोजे रखूं तो कि ये जज्बा बंदा जब अपने अंदर पैदा करता रहता है तो अल्लाह तबारक वाल उसको वाकई आबदीन के अंदर शुमार कर लेते तो देखो जज्बा ऐसी चीज है तो जज्बा तो इंसान जज्बा यह दिखा कि या अल्लाह तेरी मर्जी में अपने, अपने मर्जी को फना करते हैं और जब बंदा यह जज्बा दिखाता है तो अल्लाह तआला फिर वो कर देता है कि जो बंदे की मर्जी होती है तो कि गई तफवीज का मुकाम तो कि इबादत और नुसरत यह दो चीजें जो साथ साथ चलती हैं और जब आबदीन इस हकीकत को समझ जाते हैं कि यार इबादत यह हमारा मकसद तखलीक है तो फिर इबादत से हटते नहीं है इबादत से हटते नहीं हैं पर उनको मुसलों के ऊपर जो मज़ा आता है खुदा के सामने हाथ बांध के गिर गड़ाने में जो उनको लुत्फ आता है फिर उस लुत्फ़ की कोई हकीकत नहीं कहाँ से कहाँ मनाजिल तय करते चले जाते हैं